ताजा समाचार तमारी भाषा में मेळवा माटे डाउनलोड करो गुजराती मिडडे नी एप। वहाँ पे टोटल 10 ऐसे तहखाने हैं जो मौजूद हैं। उन 10 तहखानों में से दो ही तहखाने जो हैं वो खुले हुए हैं, एक एजाज जी के कब्जे में और दूसरा व्यास परिवार का तहखाना है। उसके अलावा 8 ऐसे और तहखाने हैं जो अभी मिट्टी जिसमें भरी हुई है और जो बंद है आर्टिफिशियल वॉल से, तो उसको भी खोलने के आदेश दिए जाएं। जो 16 मई 2022 को वहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था वो शिवलिंग ही है, वो फाउंटेन नहीं है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ASI जांच से ही ये साबित हो सकता है। और अगर उसके फीचर्स स्टडी करने के, ये वर्ड को ज़रा नोट करिएगा, अगर उस एरिया के फीचर्स स्टडी करने की छूट ASI को दी जाएगी तो बिना उस जगह को डैमेज किए हुए सिर्फ दीवारें हटा के जो आर्टिफिशियल वॉल्स हैं वो पूरा साबित हो जाएगा कि वो शिवलिंग की क्या लेंथ और ब्रेथ है। हमने दो याचिकाएं फाइल की हैं, दो इंटरिम एप्लीकेशंस फाइल की हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वजू टैंक का एरिया सील्ड एरिया है उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई 2023 को वहां पे ASI सर्वे के जांच के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को उस पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जो पास्ट हियरिंग हुई थी तो उसमें हमने ये बात रखी थी कि उस स्टे को वैकेट किया जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसके लिए आप यथाचित जो अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन है वो कोर्ट में फाइल करिए। तो आज हमने उस स्टे वैकेशन की एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। साथ ही साथ हमने ये मांग की है कि जो सील्ड एरिया है वहाँ पे ASI को उसके फीचर्स स्टडी करने के लिए पूरी छूट दी जाए, उसको एक्सकेवेशन करने की इजाज़त दी जाए और बिना शिवलिंगम को डैमेज किए हुए उसकी साइंटिफिक स्टडी और जांच के आदेश दिए जाएं। ये दोनों याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में हमने डाली हैं और आगे आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि उसकी जल्द से जल्द सुनवाई होगी। कोई तहखाने की भी आपने जो मांग की है उसमें? हमने मांग की है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में और सर्वेक्षण के दौरान भी ये बात उभर के सामने आ रही थी कि वहाँ पे टोटल 10 ऐसे तहखाने हैं जो मौजूद हैं। उन 10 तहखानों में से दो ही तहखाने जो हैं वो खुले हुए हैं, एक एजाज जी के कब्जे में और दूसरा व्यास परिवार का तहखाना है। उसके अलावा 8 ऐसे और तहखाने हैं जो अभी मिट्टी जिसमें भरी हुई है और जो बंद है आर्टिफिशियल वॉल से, तो उसको भी खोलने के आदेश दिए जाएं। और ये वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में हमने दायर की। याचिका से एक्सेप्ट हो गई है? नहीं, आज हमने इसको फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में और मुझे उम्मीद है आगे आने वाले समय में उसकी सुनवाई होगी। ये जो वजू टैंक है ये इस याचिका से क्लियर हो जाएगा कि ये शिवलिंग है या फाउंटेन? बिल्कुल, देखिए हमारा ऐसा मानना है कि जो 16 मई 2022 को वहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था वो शिवलिंग ही है, वो फाउंटेन नहीं है और अंजुमन इंतजामिया उसको फाउंटेन कह रहा है। तो जाहिर तौर पर बात है कि अगर एक पक्ष कह रहा है कि ये फाउंटेन है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ASI जांच से ही ये साबित हो सकता है। और अगर उसके फीचर्स स्टडी करने के, ये वर्ड को ज़रा नोट करिएगा, अगर उस एरिया के फीचर्स स्टडी करने की छूट ASI को दी जाएगी तो बिना उस जगह को डैमेज किए हुए सिर्फ दीवारें हटा के जो आर्टिफिशियल वॉल्स हैं वो पूरा साबित हो जाएगा कि वो शिवलिंग की क्या लेंथ और ब्रेथ है और उसके नीचे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और इस पूरी एक्सरसाइज में कोई ना डैमेज होने वाला है स्ट्रक्चर को। और ये जो बात हो रही है ये वजू टैंक एरिया की बात हो रही है, जो मस्जिद का पार्ट भी नहीं, मस्जिद के बाहरी हिस्से का एरिया, एक तरह से कह सकते हैं आउटर कोर्टयार्ड है, तो वहाँ पर जाँच की मांग कर रहे हैं।
सब्सक्राइब करो गुजराती मिडडे, बेल आइकॉन पर क्लिक करीने मेळवो तमाम वीडियो ना डायरेक्ट नोटिफिकेशन।